बन गया है, तो अब जाना पड़ेगा मुझे घर। मुझे फ़ोन दिशा का वो जो लहंगा है जिनका है वो आने वाले हैं लहंगा लेने के लिए, तो फटाफट भागना पड़ेगा अब घर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह के कामों से थोड़ा सा फ्री हुई, मतलब 5 मिनट के लिए ब्रेक लिया है मैंने, तब तक पी लेती हूँ मैं चाय। सिंपल सा शाही पनीर बनाने की कोशिश की है। शाही पनीर बनाने के लिए जो है बहुत सारा सामान चाहिए, बहुत सारा तो क्या, काजू की खूब सारी ग्रेवी चाहिए और क्रीम चाहिए, दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए जिससे कि सिल्की सी अच्छी सी ग्रेवी बने। हाँ, लेकिन मेरे पास काजू थोड़े से ही थे, क्रीम मेरे पास थी नहीं। क्रीम की जगह मैंने हल्की सी मलाई और हल्का सा दूध डाल दिया, मतलब ज़रा सा, आधा कप दूध और मलाई डाल दिया, और काजू मेरे पास थोड़े बहुत ही थे। हर्षित को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना होता है, चिली चीज़, शाही पनीर, चिली चीज़ में भी ये पनीर पनीर खा लेता, प्याज प्याज खाता है और शिमला में छोड़ देता है, इसी वजह से मैंने आज मैं चलो थोड़ा सा ग्रेवी में पनीर बना देती हूँ। शाही पनीर तो नहीं कहूँगी, सिंपल सा पनीर ही है ये, कोशिश की है तो शाही पनीर की तरह बनाया ना वो, काजू कम थे ना, समझा करो शाही, चलो शाही बोल देते हैं। तो चपाती बनानी रह गई है, बाकी मैंने सारा काम कर दिया है। अभी थोड़ी देर चाय पीऊंगी, उसके बाद स्कूल हर्षित को भेज के। इधर देखो अभी कंबल भी फोल्ड नहीं हुआ, हर्षित के कपड़े कैसे बिखरे पड़े हैं। दूध भी आज हर्षित ही लेकर आया है। मौसम की अगर बात करूं तो बादल वाला मौसम है, लेकिन एक एडवांटेज होता है ऐसे मौसम का, आजकल धूप नहीं लगती है, धूप से मतलब बच जाते हैं, छाता वाता ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इजीली बच्चे भी आ जा सकते हैं और मैं भी ऑन फुट आ जा सकती हूँ। तो चलिए सारे कामों से फ्री होके फिर आपसे आराम से मिलेंगे। अभी मैं बस चपाती बनानी और अच्छी का टिफिन तैयार करना रह गया, वाटर बॉटल तो मैंने भर दी है। नौ बजे का टाइम हो रहा है, फटाफट से मैं तैयार भी हो गई हूँ, और हर्षित को स्कूल भेजने के बाद मैंने खुद के लिए ब्रेकफास्ट तो क्या सब्जी वही थी, पनीर वाली, लेकिन हर्षित आज रोते हुए गया है स्कूल। क्यों रोते हुए गया है वो भी मैं आपको बता दूं, पहले तो कुछ बोला ही नहीं वो, बाद में हमने बड़ी मुश्किल से पूछा हुआ क्या, क्यों रो रहा है, पता क्या बोलता है कि आपकी खान, आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप आजकल बहुत अच्छा खाना नहीं बनाते हो, शाही पनीर बहुत ही गंदा बना है, मीठा नहीं है, पता नहीं कैसा, और जब अभी मैंने खाया ना मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा, ठीक है, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा नहीं था, क्योंकि उसके लिए चाहिए बहुत सारे काजू और बहुत सारा मटेरियल चाहिए होता है, और उसके लिए टाइम चाहिए प्रॉपर, जो उसकी ग्रेवी होती है उसको छाना जाता है, उसके सॉलिड पार्टिकल अलग किए जाते हैं, और जो लिक्विड सी, जो सिल्की सी ग्रेवी होती है उसमें पनीर को पकाया जाता है, तो इतना टाइम तो मेरे पास था नहीं। इतना गुस्सा किया उसने, इतना गुस्सा किया, जो भी मैं बोलता हूँ, ढोकला भी नहीं बनाते हो, ये भी नहीं बनाते हो, वो भी नहीं बनाते हो, पता नहीं क्या क्या उसने बोला। उसके बाद मैंने उसको प्रॉमिस किया कि तेरे को एक दिन रेस्टोरेंट में खिला दूंगी भाई, इतना टाइम नहीं है, या फिर रात के टाइम कभी बना दूंगी जब मेरे पास, क्योंकि रात को ना टाइम होता है कि मैं आराम से बना सकूं, सुबह के समय नहीं बन पाता, मॉर्निंग के टाइम में इतना टाइम नहीं होता, ग्राइंड करो। काजू भी मेरे पास दो चार ही थे, दो चार काजू में क्या ही ग्रेवी बननी थी, तो ऐसा वो बेचारा नाराज होके चला गया। क्या कहते हैं कि मैंने सुना है कहावत कि जेंट्स जो होते हैं ना उनके दिल तक का जो रास्ता होता है वो जो है उनके पेट से होके जाता है, लेकिन मेरे बेटू का जो दिल का रास्ता ना वो उसके पेट से होके जाता है। वो ऐसा खाने पीने वाला बच्चा है, उसको बस शौकीन है बहुत ज़्यादा, ये चाहिए वो चाहिए, डिफरेंट वैरायटी का उसको, अलग अलग टेस्ट का उसको खाना चाहिए। जिस दिन परफेक्ट होगा उस दिन तो खाना छोड़ कर अंदर किचन में आ जाएगा मुझे प्यार करने, जिस दिन नहीं होगा उस दिन रोने ही लग जाएगा। आज भी उसको ऐसा ही हुआ, हंसी भी आ रही थी मुझे, कैसा बच्चा है तू, अजीब सही। तो फिर मैंने आलू बॉयल किए, देखते हैं दोपहर के टाइम में कुछ उसके लिए बना दूंगी। मैंने तो बटाटा वड़ा कहा था, कह रहा था ढोकला भी आपने नहीं बनाया है, बोलते ही रहते हैं, क्या करूँ यार, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। तो चलिए 9:10 हुए हैं, तैयार में हो चुकी हूँ, 9:30 निकलूंगी आज पैदल पैदल फिर से जाऊँगी। मौसम बहुत अच्छा है, बादल वाला है, ठंडा ठंडा सा, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं आ रही है, लेकिन आराम से जा सकते हैं, छाता तो फिर भी लेके जाऊँगी वापसी में, कहीं बारिश ना हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं वहाँ से ना, इतनी तेज़ बारिश आने वाली है, ये देखो आज तो चारों तरफ मौसम एकदम घनघोर बादल, और यहाँ से आएगी तेज़ बारिश। आज हम जा रहे हैं प्लॉट वाले रास्ते से पैदल पैदल, साथ में है संदीपा, ये देखो यहाँ पे तो पूरा भर दिया है आगे, पूरा ग्राउंड बन गया है ना, अच्छा लग रहा है। बट ये यहाँ पे ना ड्राइविंग ड्राइविंग सीखने आते हैं सारे,
वॉक अकल मैंने आपको बोला था इधर आएंगे, मॉर्निंग नहीं आता है ना, मॉर्निंग नहीं होती है, मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता यार। हाँ इवनिंग वॉक के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे तो वो क्या कहते हैं खट्टड़ नजर ही नहीं आ रहा, जो रेत की खान थी बिल्कुल पता यार आगे तक हो गया, ये तो बहुत बड़ा पूरा आगे तक कर दिया, अब है ही नहीं बीच में वो गड्ढे वाली, गड्ढा खत्म हो गया। वाह यार संदीपा ये तो बहुत औसम है, ये देखो इधर वाला देखो ना यही बच्चा है, बाकी आगे ये वाला है ना, बाकी इधर पूरा भर दिया है, ये सारा प्रोजेक्ट वालों का जो काम है वहाँ की मिट्टियाँ डंप कर करके देखो कितना बढ़िया प्लेन कर दिया है, बीच में एक दो पेड़ बचे हुए हैं सुंदर सुंदर से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ हाईजीवन कॉलोनी के पास, आज मैं आई हूँ प्लॉट वाले रास्ते से, काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ मैं, मतलब न्यू सेशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ इधर से। तो मैंने क्या देखा कि पूरा प्लेन कर रखा है और बहुत अच्छा सा खुला खुला सा ग्राउंड बनाया है, काफ़ी अच्छा लगा इस साइड से आके, क्योंकि आज मौसम भी अच्छा और इस वक्त ना काफ़ी अच्छा मौसम है, अगर हवा चलती है तो धूल उड़ती है उधर से। तो एटीएम आई थी मैं, साथ में संदीपा भी थी, संदीपा को जाना था अपनी सिस्टर के घर, एटीएम में मेरे पास कैश, एटीएम में भी कैश नहीं है मेरे पास, 20 रुपये बचे हुए हैं टोटल, जब से ये गूगल पे आया ना तब से करेंसी ख़त्म हो गई हमारी, जेब में पैसे रहते ही नहीं है। हाँ हाँ आप पूछ कर आ जाओ एक बार, फिर देखते हैं फिर करते हैं, आज ही चिपका देंगे इसको। तो ये हमारे थोड़े से बच्चे आए हैं अभी, बाकी बच्चों का अभी हो रहा है वेट, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक खूबसूरत सी चीज़, जो ये वाली वॉल है यहाँ पे इस टाइप की सेल्फ थी वो हमने निकाल दी है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए बलून चिपकाए हैं जो कि मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए थे, अब इन बलून्स को तो निकाल देंगे। यहाँ पे हम ये देखिए ये बहुत बड़ा सा हमने एक पोस्टर सा बनाया है, कैसे चिपकाना है तो इसी के इसी वॉल का है भैया, नाप के लेके गए होंगे, आ जाएगा काफी खूबसूरत सी पेंटिंग हो रखी है, संडे मंडे ट्री भी है और मोटू पतलू भी है, छोटा भीम वगैरह बहुत कुछ है, आपको दिखाएंगे अभी, भैया आए हैं हमारी हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर भी है, इसमें भी पता नहीं क्या है, ये भी खोलना पड़ेगा। हाँ जी एक मिनट आई, अच्छा ग्लू है इसमें, ग्लू, अच्छा पूछू एक बार दिशा को, ये देखिए हमने इस वाली वॉल पे ये काफी सुंदर सा फ्लैश लगाया है जिसमें संडे मंडे है, डेज के नाम है, और ऊपर देखिए आप इंद्रधनुष है, काफी रेनबो के ब्यूटीफुल से कलर्स है, मोटू पतलू है, काफी सुंदर सा, और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के लिए बिस्माइल हाई फाई सिक्स टाइप के आपके मॉर्निंग ग्रीटिंग्स है, बच्चे जब आएंगे तो हम उनसे इसी टाइप की ग्रीटिंग को चूज करने के लिए कहेंगे, और बहुत ही सुंदर लग रही है, बताइएगा जरूर कमेंट करके कि हमारे प्ले स्कूल की वॉल कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मस्त मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, थोड़ी देर निकली हूँ बाहर, बाहर का व्यू कुछ खूबसूरत सा है आज, एकदम बादल वाला मौसम, ये देखो इस तरफ से बादल बादल वाले मौसम में बूंदाबांदी सी हो रही है अभी, तो मुझे तो गाड़ी मिल गई थी घर तक के लिए, तो आराम से रेस्ट करेंगे अब हम, खाना वाना बनाएंगे आज सुबह, जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि हर्षित जो है थोड़ा सा गुस्सा होके गया था, तो मैंने आलू बॉईल कर रखे हैं, सोच रही हूँ पटाटा बड़ा बना दूँ, आने के बाद फिर चाय वाय बनाएंगे, उसके बाद पटाटा बड़ा तलूँगी, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए बस सिंपल से बनते हैं वो, तो प्याज डाल दूँगी काट के उसमें, और आलू का मिक्सचर बना के रख देती हूँ, देखिए आलू है, आलू की स्टफिंग बनानी है जैसे परांठे की होती है सेम वैसे ही, और बेसन का घोल एक कढ़ाई में डाल दूँगी, तेल तैयार रखूँगी करके, जब आएगा उसी वक्त तलूँगी फटाफट गर्म गर्म, उसको सॉस के साथ खाने की दूँगी, खुश हो जाएगा बेचारा। तो चलो फिर ये तैयारी करो, सबसे पहले चेंज वेंज कर देते हैं फिर करते हैं ये सारी तैयारियां, सबसे पहले पीते हैं पानी। तो 3 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक हम बैठे थे संदीप और मैं पी रहे थे चाय हर रोज की तरह, तो मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, बारिश होती तो मुझे अर्षित को लेने जाना पड़ना था, ये काम भी मेरा बच गया है, तो बटाटा बटे की मैंने लगभग सारी तैयारियां कर दी हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है फ्राई कर दिए हैं, और इधर मैंने बैटर भी बना दिया है, इधर कढ़ाई लगा दी है, ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, हर्षित भी आने ही वाला है तो बना के रख देती हूँ ताकि आके उसको गरम गरम मिल जाए खाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बना दी हैं सारे बड़े, ये थोड़े से ज्यादा सिक्के, थोड़े ज्यादा ब्राउन हो गए कुछ ज्यादा ही, और दो चार पांच छह ही बने हैं, ज़्यादा तो नहीं बने, तो
थोड़ी सी पिट्ठी यहाँ बचा ली है, थोड़ा सा ये देखिए बेसन का घोल भी बच गया है, बहुत है इतने ज़्यादा वरना वेस्ट हो जाते हैं, तो पिट्ठी भी यूज़ हो जाएगी परांठे में और जो घोल है उसके बीच में आटा लगा दूंगी। तो सबसे पहले टेस्ट कर देती हूँ, पता चला आने के बाद फिर से उसने हाय, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, पता नहीं कैसे होंगे, तो बैठ के एक बार टेस्ट कर लेते हैं ज़रा, वरना फिर से कहेगा हर्षित कि आपको खाना बनाना नहीं आता। लाजवाब आ गया। आ रही हूँ। क्या खा रहे हो? मैं कहा आते ही क्या खा रहे हो? सुबह शायद नहीं अच्छा नहीं लगा। और आते ही हर्षित देखो 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 धावा बोल रहा है। फिर समोसा, अरे वो अच्छा बटाटा वड़ा, ओह माय गॉड शुगर बना दिया, मैं कब से कह रहा था। बस सुबह की नाराजगी का। चलो फिर गर्मा गर्म अभी अभी जस्ट बना के फिर आ जाओ खा लेते हैं, हैंड वॉश करो और ड्रेस चेंज करो। देखा खुश हो गया मेरा बेटा। बस हर्षित के पेट का जो रास्ता है ना वो दिल का रास्ता हर्षित के दिल के जो रास्ता है वो पेट से होके गुजरता है, इसको खाने पीने का शौक है, तो मस्त बनाते हैं खाते हैं। तो भैया मुझसे नाराज, आप तो नाराज नहीं है ना? नहीं, क्यों अब क्यों नहीं नाराज? तो मस्त लंच वंच करके बटाटा वड़ा खा के हम निकले हैं घूमने के लिए। यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्कूल के और ऑर्फनेज के बच्चे, देखिए आरएसएस की शाखा लगाते हैं और शाम के टाइम आना बहुत अच्छी खूब मस्ती वाली रौनक रहती है। देखिए उस तरफ से जो है सारे लोग यहाँ आते हैं और मौसम देखो अभी साफ हो गया, दिन के टाइम और सुबह के टाइम कितने बादल थे, हल्की हल्की धूप थी और अभी देखो कितना मस्त मौसम है। तो घूमने आए हैं हम साथ में संदीपा और उनकी गुड़िया, बच्चे गए हैं हमारे खेलने, तो सोचा हमने भी कि क्यों ना घूमने निकला जाए शाम के टाइम, काफ़ी अच्छी रौनक रहती है इस तरफ। उधर देखिए आप बच्चे जो हैं कर रहे हैं मस्ती। कितनी भीड़ रहती है इधर इस वक्त, बहुत रौनक रहती है। तो थोड़ा आगे तक जाके आएंगे हम घूमने। ये देखो जी ये है डंपिंग साइट का खूबसूरत व्यू जो कि पूरा डंप कर दिया, ये देखिए ये पूरा डंप हो गया है यहाँ से। देखो पहले ये वो होती थी रेत की खान होती थी जहाँ पे हम चल रहे हैं इस वक्त, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो ये वाला पेड़ है ना यहाँ से नीचे ये डंपिंग साइट थी, यहाँ से रेत की खान थी, ये एज था मतलब, लेकिन यहाँ से नीचे देखो पूरा ग्राउंड बन गया और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, देखो कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे। इस तरफ देखो सब लोग आए घूमने के लिए और यहाँ पे देखो बच्चे और उधर भी हैं और गाड़ियाँ देखो कहाँ तक पहुँचाई हैं लोगों ने। तो घूमने आए थे हम इधर, ये देखिए खूबसूरत सी जगह पे डंपिंग साइट है इस जगह का नाम बेसिकली, वैसे तो ये खाटड़ भी बोलते हैं इसको क्योंकि पीछे सतलुज है ना और ये रेत की खान होती थी, लेकिन डंप करके अब ये प्लेन एकदम ग्राउंड बन गया है। तो अब जाना पड़ेगा मुझे घर, मुझे फ़ोन दिशा का वो जो लहंगा है जिनका है वो आने वाले हैं लहंगा लेने के लिए, तो फटाफट भागना पड़ेगा अब घर। घूमना फिरना हमारा फिलहाल हो गया है तो वो चलते हैं उनको उनका लहंगा लौटा देते हैं, देखेंगे कैसी फिटिंग है कैसी नहीं। चलो मस्त है ना इधर, बढ़िया है ना, अच्छा लगा यार, बहुत मज़ा आया, रील बनाने के लिए अच्छा है ये कल से हम इधर रील बनाया करेंगे हाँ डेली आएंगे, आज तो वापिस जाना पड़ रहा है। सच्ची आई होने भाई, आराम से लेना आपने इसको ना, बहुत मतलब रखना कोई अपने पास ऐसा करने वाला, मतलब ये वैसे तो इसके पास कई होने हैं, अब है ना डॉल जैसा होने कई बैठ लड़कियां वैसे। अब ड्रेसिंग में बहुत अच्छा काम किया जी आपने, ये ना ये इतना इतना बड़ा पीस निकला आंटी का, इतना बड़ा पीस हाँ तो था ये, बहुत अच्छा है, अब बना सही बिल्कुल, अब लग रहा परी जैसा। पहले तो नीचे, अरे वो तो बहुत ही गंदा लग रहा था, पर मैं नीचे तक आया हुआ था ऊपर का हिस्सा, अब लग रहा ना सही, अब लगी ना गुड़िया की डॉल लग रही सच में, अब तो सच में
एक कमर का हिस्सा अब लगा है, देखो नीचे से भी बहुत था ना, ऊंचाई थी ना नीचे तक, नीचे भी देखो कितना अच्छा सही लग रहा है, परफेक्ट बल्कि मुंह से बोलना ठीक है, हाँ, ज्यादा अच्छा है, कार्ड से भी अच्छा है, नहीं नहीं ठीक है, थैंक यू, अब बनना ना, अब बोल के आप नीचे गाड़ी ले आते ना, आपको इजी रहना था, भारी है बहुत ही उठाने के लिए, मैं छोड़ दूं आंटी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ओके बाय बाय। हाय, मैं इतनी खुश होती हूँ ना जब कोई मेरे काम से खुश होता है, प्राउड टू बी, बहुत अच्छा लगता है। आज तक की मेरा रिकॉर्ड है 8 से 10 सालों से, मैं जब से मैं अल्ट्रेशन स्टिचिंग और ब्यूटी नहीं बुटीक का काम कर रही हूँ, एक भी बार शिकायत नहीं आई, मैं बहुत खुश होती हूँ। और इस गुड़िया की शादी है 28-29 की, और इन्विटेशन भी दे कर गए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किए थे, मजा आ गया, तो इनकी शादी मुझे, मुझे ऐसा लगा कि ये किसी शादी में जा रहे हैं, नहीं इसकी खुद की शादी का गाउन था ये, तो इतनी अच्छी फिटिंग आई है, ऑसम फिटिंग, जब ये लिया था तो इतना सा पैच निकाला था मैंने उसका निचली साइड से, मतलब काफी लंबा था, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता ना चोली, ये बहुत नीचे को आ रही थी, बिल्कुल नीचे तक आ रही थी यहाँ तक, और अब इतनी अच्छी सी स्लीक सी फिटिंग आ रही है, मस्त वाली फिटिंग, खुश हो गए तीनों ही मम्मी पापा, आज तो बहुत मजा आया मां, ये जी 8 बजे का टाइम हो रहा है, आज के दिन बस खुशनुमा था, मेरे होने से कोई किसी की खुशी मिलती है तो मुझे मेरी खुशी दोगुनी चौगुनी हो जाती है। फाइनली लहंगा भी गया, खुश हुई हूँ मैं गिन गिन के 7 सुइयां टूटी हैं उसमें, स्टोन वर्क में, मत कर भाई, तो पूजा पाठ करेंगे, मस्त खाना वाना खाएंगे, करेंगे रेस्ट, आज का दिन भी बीत चुका है, ऐसे ही हमारे दिन हंसी खुशी बीतते रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बेबीज व्लॉग फन एंड मस्ती, गुड बाय, गुड नाइट।